एवरीवन, तो अभी यहाँ प्रैक्टिस के बाद हम लोग यहाँ पे वैक्सीन लेने आए हैं, कोविशील्ड। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन वाला व्लॉग चाहिए, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा सा व्लॉग बनाने की। यह है पाटलिपुत्रा स्टेडियम और यहीं पे वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया है और काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। सारी सुविधाएँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं, तो हम लोग बस यहाँ पर वैक्सीन ले रहे हैं। देखते हैं, अभी तो मैंने लिया नहीं है, फॉर्म हम लोगों ने भर लिया है और मेरे साथ मेरे कोच भी हैं विक्रांत सर, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैक्सीनेशन सेंटर के पास पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना पड़ेगा वेट। और कोविशील्ड वैक्सीन लेने में मैंने कुछ ऐसा भी देखा कि जब तक कम से कम 10 लोग ना हो जाए तब तक वैक्सीन नहीं दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि एक जो वैक्सीन का पूरा एक जो वो बॉटल होता है उससे 10 लोगों को वैक्सीन दी जाती है, तो जब तक 10 लोग पूरे ना हो जाए उस बॉटल को खोला नहीं जाता है। और ये है पाटलिपुत्रा स्टेडियम। और मैं आपको बता दूं कि प्रो कबड्डी लीग जो मैच होती है, अगर वो पटना में होती है तो वो यहीं पर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होती है। ये है राहुल। राहुल एक बहुत ही अच्छा बॉक्सर है, बहुत ही अच्छी बॉक्सिंग करता है ये, और ये हम सब के साथ प्रैक्टिस करता है यहाँ पे, और इसने नेशनल्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है। अगर इस वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो ये अब तक का मुझे सबसे अच्छा वैक्सीनेशन सेंटर लगा पूरे पटना में। वैसे तो मैंने 4-5 वैक्सीनेशन सेंटर को विज़िट कर लिया है। इन्होंने वैक्सीन लिया नहीं है, 18 बिलो है ये, फिर भी शो ऑफ करना ज़रूरी है। तो हम लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है पूरा और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और आज काफ़ी लेट हो गया, फ़ोन की बैटरी भी 4% बची है और मेरी बैटरी भी, क्योंकि प्रैक्टिस करके काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। और अब घर देखते हैं रात तक फीवर आता है या नहीं। अभी वैक्सीन लेने के बाद तो ऐसा कुछ सिम्टम देखने को नहीं मिला, ना दर्द हो रहा है ना कुछ भी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाकी घर जाकर देखते हैं क्या कैसा रहता है। बहुत लोगों को रात को फीवर वगैरह आता है कोविशील्ड में, तो देखते हैं क्या होता है। जैसा भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। और ये है मेरा स्टूडेंट सूरज, मायसेल्फ सूरज कुमार। घर पे मेरा स्टूडेंट है, यहाँ मेरा पार्टनर है, साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अगले दिन में। मैंने वैक्सीन लिया था कल, और बताऊँ कि इस पूरे 24 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ना फीवर आया ना वीकनेस हुई, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। हाँ, बस मैंने जहाँ पे वैक्सीन लिया था वहाँ ज़रा सा दर्द कर रहा है थोड़ा सा, उस साइड से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो ये हो रहा है मेरे साथ। बाकी मुझे फ़ीवर वगैरह कुछ नहीं आया। तो यही था पूरा वैक्सीनेशन का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कुछ सवाल जवाब हैं तो वो मैं कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को और शेयर करो अगर किसी को वैक्सीन लेने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो उनके साथ। थैंक यू सो मच, और इस बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए सॉरी जो साइड से आ रही है। लव यू ऑल।